दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू एंड ऑरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। साड़ी जड़ी दौड़ भज है मुक्की नहीं है, क्योंकि दौड़ा दे सारे कलाकार ने फिल्म च अपने अपने रोल अदा करा दे। मेन लीड रोल च चंदन और भी हैं, हालांकि इन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर एज ए कोरियोग्राफर बेहतरीन डांसर न, इनके बच्चे अच्छे लेवल पर जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्टर भी या है मेरे ऐसे सरप्राइज पैकेज है। लेकिन कन्हैया जम्वाल साहब ने सर गीटियाँ एक ऐसी छाप छोड़ी गई है, हालांकि तुम्हें शायद कि ऐसी डोगरी फिल्म कोई हो जिस तुम्हें किरदार नहीं निभाया था, सारी फिल्में तुम्हें काम किए थे, लेकिन जी गीटियाँ च एक बखरापन हा, एक बॉलीवुड तड़का हा, वह जहा तड़का बनया, लेकिन उसी बाकी मे बी लैक ऑफ स्पॉन्सर की वजह कहने वैसी फिल्म बार 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 नहीं बनी पाइं, ये जी बना दी है तुम कनेहा दिखते हो, वो बाद डायलॉग भी सुनना तो असर गाँव भी जरूर सुनना गीटियाँ का। देखो जी गल जे इन्ने सालों का जो गीटियाँ के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आ रही जी कि कोई तहलका मचाने बाद, असं इस गल की खुशी है कि लोग जो बाहर इतने आए न ते ये भी एक फिल्म गीटियां की लेइए समझो कि उद्दे को भी अच्छी बनग, ऐसी गल नहीं है। गीटियां का अपना एक मतलब वो डोगरी च है पंजाबी च है, बाद में हो सकता है डोगरी विच भी डबिंग करन, क्योंकि इन्हें यह असें आख्या कि डोगरी च करनी है बाद में, तो असें खुशी है इस गल की कि JKUT बनी है, जेकर एल जी साहब ने एक फिल्म पॉलिसी बनाई है तो वह असें भी थोड़ा बेनीफिट पे जम्मू के जिन्हें भी आर्टिस्ट ने सारे बेनीफिट पे, असं सोचा भी नहीं हा कि असें भी तो मौका मिल गया बॉलीवुड फिल्म च काम करने का, लेकिन असें इस गल की बड़ी खुशी हुई है तो जे अस इस बॉलीवुड फिल्म च काम करा रहे हैं। चलो साढ़े को जो आते ना जो गुप्त सूत्रों को खबर आ रही है कि शायद यह फरवरी मार्च तक रिलीज हुई है, लेकिन एक होर खबर भी है आउवा शिंदा च भी तुम्हारा एक बेहतरीन किरदार है जोड़ा वो भी अगले 3 महीने अंदर अंदर जरा स्क्रीन से आने वाला है, ये डिफरेंट चैलेंजिंग जो किरदार आते हैं वर्सटाइल एक्टिंग जल्दी आती है, खैर तुम तो मंजे के कलाकार हो तो तुम मतलब कि चीज़ सब तो अच्छा रोल जिसे परसनल पसंद जी होती है वो तुम्हें तो लगता कि एक्शन हुई है कॉमेडी हुई है रोमांस है, हालांकि तुम्हें तो हर चीज़ की है। मैं अज तक जिन्नी भी फिल्म की ना सारे विलन है, लेकिन इस फिल्म च मैं बिल्कुल थोड़ा हटिया रोल है मेरा, वो मैं सुनाग नहीं वो तुसें स्क्रीन उपर गै दिखना। अच्छा क्योंकि वो दसी नहीं सकते पहले ये सारे आखे था कि तुसें अपना रोल नहीं दसना कि केह रोल कीता है। शक्तिपुर साहब ने मिलती है उन्हें विलन तो शुरुआत किया कॉमेडी से आए कॉमेडी तो रोमांस आए, लेकिन तुम्हें विलन तो डिफरेंट करा और सरप्राइज रखे से दिखना जरूर है, लेकिन अगे बदलने तो पहले बाकी आर्टिस्ट को गल करने पहला तुहाड़े कोलों गीटियां का कोई डायलॉग होई है भावें रिवाल्वर दियां गोलियां भावें पैसा तो मैं लेइए जाना या गाना कोई भी तुम अगर सुनाई सको साढ़े दर्शकों। गाना मैं तुसें सुरेश वाडीकर गाया, असें गी बड़ा सौभाग्य प्राप्त होया ओहदे च जे एडे बड़े सिंगर तो उन्दे लई मूवमेंट असें दित्ती दी, वो गाना हा सुरेश वाडीकर दा गाया, असें साएं दा के परवासा जिंदे असें लगे दी रहनी है आसा जिंदे आंदे जंदे रहना मिलदे गिलदे रहना आंदे जंदे रहना मिलदे गिलदे रहना। क्या मस्त आवाज़ है सर दी, सर खाली थिएटर आर्टिस्ट नहीं हैं, खाली एक्टर नहीं हैं, सिंगर भी हैं और ही बड़ी चीज़ा जी तुम्हें फिल्म जी आने वाली शूटिंग जी फिलहाल चला दी है उत्थे थोड़ी है, और रही गल गीटियां ने मीट आप जी मैं क्यों बोला क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा फैन उस फिल्म का, बड़े गाने सुरेश वाडकर होने गाया था, सलीम होने गाया था उस गाना बिल्कुल, मैं सलीम भव्या पंडित होने गाया था बिल्कुल, तो बड़े गाने लोकप्रिय हुए, तो ये भी तुम्हें वो जगह प्यार देना अपने भरा को लाने चंदन जी ये कुछ छुपाया था टैलेंट, मतलब ये टैलेंट पहले का आया या तुम्हें छुपाई रखे था कि बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ा बम फोड़ना। सर एक्चुअली कोशिश तो बड़े दिन से थी कि हर जो डांसर होता है या कोरियोग्राफर उसके मन में कहीं ना कहीं अंदर एक एक्टर भी छुपा होता है, बिल्कुल, तो उसको निकालने का सही टाइम जब आता है तो फिर अपना टैलेंट निकालना चाहिए, तो
तो ये मौका मुझे मिला, तो अब इसमें अपना रोल तो बता नहीं सकता, लेकिन आप मूवी थिएटर्स में जाके देखेंगे क्या रोल है। तो बाकी ये मैं कहना चाहता हूँ, इस मूवी में सबसे अच्छी बात ये है कि एक एक जो करेक्टर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हर करेक्टर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, हर करेक्टर से जस्टिस हुआ। जी जी। और हमारे जो सर है सुभाष सर ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, अमित सर हैं, गुल्लू से, मतलब सभी के एक्ट बहुत अच्छा है। तो बाकी थिएटर्स में आप आके देखिए किसका कैसा है। तो आप लोगों मीडिया वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को जितना ज़्यादा हाईलाइट करोगे तो हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, और हमें प्यार देना अच्छे से। नहीं, प्यार आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और आपसे जाननी है कि आप एक कोरियोग्राफर जो है वो म्यूजिक को बेहतर समझता है क्योंकि वो उसकी बीट्स पे डाल रहा है, लेकिन एक कोरियोग्राफर का मिक्सचर अगर आर्टिस्ट के साथ हो जाए तो फिर क्या चीज़ पेश होती है? मेरे हिसाब से जो एक कोरियोग्राफर होता है एक ऑलराउंडर होता है, बिल्कुल, उसको थोड़ी फाइट की भी नॉलेज होती है, डांस की भी नॉलेज तो होती है, बाकी एक्टिंग उसके अंदर, क्योंकि एक्सप्रेशन गाने को फील करना, तो एक अच्छा कोरियोग्राफर डांस, हाँ, तो वो एक अच्छा एक्टर होता ही है। तो बाकी किरदार अपना निभाओ अच्छे से, वो डिपेंड करता है। ये आपको शुभकामनाएं पूरी टीम को, इनके पास भी आते हैं सर, मी लगा थोड़े डोले ज़्यादा नहीं थे, 18-20 इंची थे होने हैं, मतलब कोई कोई इतने भी बदमाशी वाला विलन वाला रोल लगे था कोई, मतलब थोड़े लुक को दिखिए लगा था थोड़े थोड़े करन ओजला, तो कन्ने फिजिक तो मेनटेन की है, रोल तो नहीं पुछ गए लेकिन थोड़ा बहुत रोल की छेड़ गए भी जरूर, कनेहा लग गया ये पूरी सीनियर जूनियर कलाकारा दे गुलदस्ते कन्ने काम करिए? फिलहाल तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, बल्कि जो डायरेक्टर के प्रोड्यूसर हैं, डोगरी गल करके अपने, ठीक है ना, अस डोगरे हैं, डोगरी प्रमोट करनी चाहिए, तो जो डायरेक्टर राजेश राजा जी जो कि है बेसिकली जम्मू के, लेकिन लुधियाना सैटल होते हैं, लेकिन उनका कुद ने कुद जो प्यार जम्मू करने इस फिल्म के जरिए लभ जाना। नुहाड़े बाद प्रोड्यूसर साढ़े पुरशोत्तम गुप्ता जी, उन्होंने बड़ा बड़ा योगदान है जिन्हें सानू जम्मू के कलाकारें एड्डा बड़ा मौका दिता, वो भी बॉलीवुड टच, बॉलीवुड है, शक्ति कपूर जी साढ़ा सौभाग्य है, और दूसरा साढ़ा जो फ्रैशर नास साढ़ा दूसरा सौभाग्य है कि साढ़े जम्मू के जो जिन्हें भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, खासकर गिटियां दे स्टार कास्ट, तनवीर जी, सुभाष जी, शेर सिंह जी, बबली जी, अजय जी, मतलब जिन्हें भी हैं उनके कन्ने काम करने का उन्होंने बड़ा उपर के सौभाग्य होना साढ़ा, और काफ़ी अच्छी मूवी है। फर्स्ट टाइम तुम साउथ इंडियन मूवी दिखी होनी है, फुल एक्शन पैक मूवी है, भी थानू ब्लास्ट हर एक चीज़ मिलनी है, अस अपने रोल नहीं थानू सुनाई सकते के न, वो थानू थिएटर के बाद ही पता चलना कि के रोल ने, बिल्कुल, लेकिन हर एक किरदार है ना जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है इस फिल्म में सर, वो अपने अपने एरिया अपने जगह पे वो विलन पे गैंगस्टर मूवी है देख लो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो नाम से ही हो जाता है। चलो अगे चलने, ये साढ़े भरा मेरे ख्याल उधमपुर तो आए ने, इन्हें मैं थोड़ी देर पहले भी फड़िया हा, ऐसी गल नहीं है फड़िया, मतलब इन्हें मिगी फड़िया हा, मैं नहीं फड़िया हा, कनेहा लग गया, मतलब जिन्हें तुम्हें कदम ना कदम सुने का अज कनेहा लगे कम करिए? बहुत ही मतलब कि बड़ा बढ़िया मज़ा आया मिगी जम्मू के जेके नमें युवा आर्टिस्ट न, मैं पहली बार इंदे भ्राएं कन्नै पहली फिल्म गैंग 84 करा ना, बड़ा गै मज़ा आवा दा मिगी इस शूट पर आए दे। मैं अपनी एक ग्रां की गल सुना, 1979 बिच फिल्म जानी दुश्मन आई ही, उदे च सुनील दत्त, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, मोल जगदीप, ऐसे ऐसे बड़े गै बॉम्बे दा आर्टिस्ट आए हे उस फिल्म की बनाने चनैनी, मगर इस टाइम जम्मू च दूई बार बॉलीवुड दे एक्टर अपने शक्ति कपूर साहब जेके बेहतरीन कलाकार ने बॉलीवुड दे, मतलब डॉन अमरीश पुरी दे बाद शक्तिपुर सर बेहतरीन रोल कर रहे करा दे, एह्दे च बड़ा गै मजा आ दा उंदे कन्नै, एंट्री च गै मेरा नंबर उंदे सामने, मतलब मिगी मुबारकबाद दिने इन्हें कि देखो आने वाले टाइम इनकी और तरक्की आन, इं के जी है जी फिल्म बॉलीवुड के जोड़े हैं इतने आन, इधर के कलाकार की मौका भी देन, और मैं खाली ये नहीं बोलगा कि बॉम्बे तो लोग उठी इतने आन, इधर के लोगों भी चाहिए अगर असें अपने डोगरी कल्चर अगे बधाना तो वे कन्ने कन्ने जोड़ा है इधर के लोकल आर्टिस्ट ही लेइए लगातार काम करते रहन, एक दूए की मदद करन, तो कट्ठे लोग जोड़े एक दूए का हाथ फड़े जो अगे बधन। दीदर होता जेके पेजिस, निकलेश कन्ने राहुल खत्री, जेके पेजिस वास्ते। पहली ऐसी कंपनी है जो यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड आदि देशों की ब्यूटी इंडस्ट्री में विश्व प्रसिद्ध सर्टिफाइंग बॉडीज से मान्यता प्राप्त है, तथा ओरेन में सिखाने वाले तकरीबन सभी ट्रेनर्स इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। ओरेन की एक ही सोच है, युवाओं को सपने सच करने की हिम्मत देना और उन्हें रास्ता प्रदान करना। यदि आप भी अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस।